चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 23 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कौन से कॉलम में क्या फिल करना है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो जैसे ही हम ये अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो उसके लिए वेबसाइट है neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर हमने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसमें नीचे कैंडिडेट एक्टिविटीज में नीट यूजी 23 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करके अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आता है। लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है और राइट साइड में ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म 3 स्टेप में फिल किया जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद पेमेंट करना होगा। इसके बाद में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना है आपने। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे, उनसे आप यहाँ साइन इन कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू एग्जामिनेशन सीटी भी देख सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम सीटी हैं। इसके बाद यहाँ फीस दिखाई गई है और इसमें ये समझाया गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो कितने केबी का होना चाहिए और पोस्ट कार्ड का कितने केबी का, सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए, ये सारी कंडीशन यहाँ दी गई है। पासवर्ड आपने कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए कितने करेक्टर होने चाहिए, कौन सा स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, ये सारी कंडीशनें आप पढ़ लें। साथ साथ इस फॉर्म को फिल करते समय मैं भी ये बताता जाऊंगा आपने। इसके बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। टिक करने के बाद में क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आपको कैंडिडेट का नाम आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर ये फिल करना है। तो यहाँ कैंडिडेट का नाम फिल करना है, आपके नाम फिल करना है, यहाँ पर फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है यहाँ पर। उसके बाद जेंडर फिल करना है। जेंडर में आपके तीनों जेंडर, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आएगा, उसमें जो भी आपका जेंडर है वो फिल कर देंगे। नेशनलिटी में यहाँ पर इंडिया आएगा, उसके बाद में OCI आएगा और फॉरेन आएगा, तो जिससे आप बिलोंग करते हैं वो आप नेशनलिटी यहाँ पर फिल कर दें। मैं यहाँ पर इंडिया फिल कर रहा हूँ। इसके बाद में आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर आधार कार्ड कर सकते हैं, 12th का जो एडमिट कार्ड है बोर्ड द्वारा इश्यू किया गया है वो कर सकते हैं, इलेक्शन कार्ड कर सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद में वोटर ID कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सब में आप फोटो लगा हुआ, बैंक की जो पासबुक है वो कर सकते हैं, इन सब पर आपका फोटो होना चाहिए। वो आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसके पहचान नंबर लिखने हैं। हर एक आईडी कार्ड पर पहचान नंबर होते हैं, वो यहाँ पर आइडेंटिटीफिकेशन नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके बाद में आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, आप जहां पर रह रहे हैं वो वहां का आप एड्रेस दे दें। इससे वैसे कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि NTA द्वारा लेटर द्वारा कोई कॉरेस्पोंडेंस नहीं किया जाता है, फिर भी आप प्रेजेंट का यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर अलग अलग लिख दें, अदरवाइज सेम है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर दें। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है वो दोनों अलग अलग हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय दोनों को अलग अलग एक ही पेज पर अपलोड करना है, यानी कि एक ही पेज पर इमेज बना ले परमानेंट एड्रेस की और प्रेजेंट एड्रेस की। तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आपने इसको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर चूज पासवर्ड करना है आपको, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक न्यूमेरिक वैल्यू हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे डैश होता है, @ होती है, तो इस प्रकार का पासवर्ड आप चूज कर लें। जैसे कि मान लो मेरा नाम महेश है, तो महेश में मैंने M बड़ा सेलेक्ट कर दिया,
AHESH छोटा सिलेक्ट कर दिया, एट दी रेट ऑफ लिख दिया और आगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, जैसे 2023 दे दिया, 2002 दे दिया। तो इस प्रकार से हम पासवर्ड सेट करके यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन आपने सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी पिन इसमें जैसे नेबर्स का क्या नाम है, आपकी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है, इसके बाद में आपका नेबर्स पेट नेम क्या है, आपकी फर्स्ट स्कूल क्या है। तो इसमें जो सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ सेलेक्ट कर लें और नीचे इसका आंसर दे दें। जैसे मेरा नाम महेश है तो मैं यहाँ नेबर्स पेट नेम में यहाँ महेश दे दूंगा। ये आपको जरूरत पड़ेगी जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिट्राइव करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। तो आप इसको अलग जगह एक लिख के रख लें कि मैंने ये सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया है और ये इसका आंसर दिया है। पासवर्ड को भी आप अलग पेपर पर लिख कर रख लें। इसके बाद में यहाँ जो सिक्योरिटी नंबर है यहाँ पर फिल कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें आप। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें, अदरवाइज सबमिट करना है तो आपको चेक बॉक्स पर इन पे चेक करना पड़ेगा। जैसे माई नेम सही है, मेरा फादर नेम सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, ईमेल आईडी सही है, इन सब पर चेक बॉक्स पर चेक करना है और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। यहां पर जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था पहले स्टेप में, प्रीवियस स्लाइड में जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था वो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है जो आपको लास्ट एडमिशन तक काम में आएगा। यानी कि जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो उसी मोबाइल नंबर पर जो आप अभी यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं उसी पर आपका ओटीपी आएगा काउंसलिंग के टाइम में। जब आप एमसीसी की काउंसलिंग करवाएंगे तो वही ओटीपी आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर फंक्शनल नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगा, आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। तो आप ये सबसे ज्यादा ध्यान में रख के वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें जो आपको बाद में फंक्शनल होगा, फंक्शनल फंक्शनिंग रखना है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी के पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एडिट करना है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तो एडिट पर क्लिक करेंगे। मैं यहां पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही इस पर ओटीपी पर क्लिक करेंगे ये ध्यान रहे कि ये आपको चेक करना है तभी इसमें सबमिट होगा। इन पे मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पर, सब पर चेक करना है तब आप पर ये सबमिट होगा। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा, यहां पर मोबाइल नंबर दिया होगा आपका और यहां पर ओटीपी फिल करना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर फिल करना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। देखिए तीन स्टेप है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है और फीस पेमेंट है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो गया है, इस पे टिक का ऑप्शन भी आ चुका है, मोबाइल भी वेरीफाई हो गया है यहां पर क्योंकि मोबाइल पर हमारा ओटीपी आया था और यहां पर आगे रजिस्ट्रेशन डिटेल में कंप्लीटेड लिखा आ गया। अब हमको एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप कंप्लीट करनी है और पेमेंट करके फिर कंफर्मेशन पेज का प्रिंट ले लेना है। तो यहां पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप फिल करने के लिए। तो यहां जैसे ही हम इस पे, अच्छा यहां एक देखने वाली बात है कि अगर आपने यहां पर ये इतना सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आपके एप्लीकेशन नंबर आ गए, पासवर्ड आपने बना लिया, उसके बाद में आपका फॉर्म लॉग आउट हो जाता है या किसी कारणवश से लॉग आउट आप कर देते हैं कि इस फॉर्म को हम बाद में फिल करेंगे तो लॉग आउट भी कर सकते हैं, ये स्टेप आपकी बाद में भी आ जाएगा। या फिर कभी फॉर्म फिल करते समय ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से इस पेज पर जाए, एनटीए की वेबसाइट, नीट की वेबसाइट पर क्लिक करें और नीट यूजी 23 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहां पर ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, पासवर्ड हमने रीसेट किया था यानी कि पासवर्ड क्रिएट किया था और यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन करेंगे। तो जैसे ही साइन इन करेंगे तो इस स्टेप में हम वापस आ जाएंगे।
ये स्टेप तब के लिए है जब आपका फॉर्म बीच में ऑफ हो जाता है या फिर आप लॉग आउट कर देते हैं ये सोच के कि ये फॉर्म हम बाद में फिल करेंगे। अब यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो जो कॉन्टेक्ट डिटेल हमने पहले फिल की थी वो कॉन्टेक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है इसमें। अगर फिर से उसमें हमने कुछ करना है तो कॉन्टेक्ट डिटेल पर क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज पर्सनल डिटेल हमारी आ जाएगी, यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करना है। अब पर्सनल डिटेल में हमें जो हमारा एड्रेस वगैरह था वो सारा एक बार पर्सनल डिटेल में, ये एड्रेस वगैरह तो कॉन्टेक्ट डिटेल में आ गया। अभी पर्सनल डिटेल में जो हमने पहले फिल किया था, जैसे कैंडिडेट नेम किया था, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ किया था, जेंडर किया था, ये ऑटोमेटिक फिल हुआ है, हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल किया था तो वो आ गया है। यहाँ पर है केस ऑफ, अगर आप सिंगल ये गर्ल्स चाइल्ड हैं तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो कर दें। यहाँ पर वैसे इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एडमिशन में कि अगर गर्ल्स चाइल्ड एक ही है तो उसको कहीं प्रायोरिटी दी जाएगी या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ यस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें इसमें, जैसा भी आपको करना है इसमें। फिर यहाँ पर फादर नेम ऑटोमेटिक आ गया, मदर नेम ऑटोमेटिक आ गया, नेशनलिटी ऑटोमेटिक आ गया। अब भैया जहां से आपने 12th क्लास पास की है उस स्टेट का यहाँ पर नाम देना है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि ये स्टेट फिर आपकी डोमिसाइल यहाँ से उठाता है वो ऑल इंडिया के लिए, तो आपने जहां से 12th पास की है वो स्टेट यहाँ पर देना है। इसके बाद में कैटेगरी देनी है, यहाँ पर कैटेगरी में जनरल कैटेगरी आती है, इसके बाद में यूआर भी बोला जाता है जनरल कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी आती है, वो सेंट्रल लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप ओबीसी फिल करें, अगर आपका ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो जनरल आपको फिल करना है। एससी एसटी को कैटेगरी दी गई है, जनरल ईडब्ल्यूएस दिया गया है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करें इसमें, अगर आप मधुमेह रोग है आपको तो यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट करें, निवास की जगह आप कहाँ के रहने वाले हैं वो सेलेक्ट करें, यहाँ फैमिली इनकम यहाँ सेलेक्ट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 लाख 2 लाख जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो यहाँ सेलेक्ट कर दें। अगर माइनॉरिटी से हैं तो यस और नो सेलेक्ट करें यहाँ, इसमें कंट्री ऑफ रेजिडेंट जो भी आपका इंडिया है या जो भी कंट्री है वो यहाँ सेलेक्ट कर दें। अब यहां पर दिया गया है कि क्या आप नीट 23 में जो ड्रेस कोड है वही पहन के आना चाहते हैं, तो इसमें यस करें। अगर आप जैसे कि कोई पारंपरिक ड्रेस पहन के आना चाहते हैं, जैसे कि सिख कैंडिडेट है पगड़ी पहन के आना चाहते हैं, कृपाण पहन के आना चाहते हैं, इसके बाद में बुरका वगैरह, मुस्लिम कैंडिडेट, तो यहां पर अगर आप ड्रेस कोड में आना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज जो नीट का ड्रेस कोड है उसमें नहीं आना चाहते हैं तो यहाँ नो कर दें आप। इसके बाद में मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है आपका, ऑनलाइन क्लासेज है या फिर सेल्फ स्टडी है या फिर आपने कोचिंग की है, तो वो सेलेक्ट कर दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन यहाँ डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी पर्सनल डिटेल है वो फिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट में जो स्टेप है वो है आधार डिटेल्स का, तो आपके पास आधार है या नहीं, तो जनरली सभी के पास आधार होता है तो यस कर दें। बाकी अगर किसी कैंडिडेट के पास आधार नहीं है तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो यहाँ नो भी कर सकते हैं। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपसे आधार की डिटेल ली जाएगी, एप्लीकेशन नंबर, नेम और जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है। अब यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये यहां पर आपको ध्यान से फिल करना है। अगर आप फर्स्ट में करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं मेरा आधार कार्ड साझा कर रहा हूं, मेरे को पता है नीट 23 के रजिस्ट्रेशन के समय इससे जो रिकॉर्ड है मेरे आधार में वह रिकॉर्ड वेरीफाई किया जाएगा, ये फर्स्ट का ऑप्शन है। अगर आपका आधार में और आपकी 10th की मार्कशीट में जो ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेम है तो ये ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं, इसमें आधार वेरीफाई होगा आपका। आधार वेरीफाई होने के बाद आप फॉर्म कंटिन्यू करेंगे,
अगर आपका सही नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है, कैंडिडेट नेम में अगर कुछ डिफरेंट है आधार में और जो ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर माई इंफॉर्मेशन ऑफ आधार इज नॉट द सेम एज इंटर्ड दी एप्लीकेशन फॉर्म वाले कॉलम पे क्लिक करना है, सेंटर वाले पे। अगर आप ये आधार साझा नहीं करना चाहते हैं एनटीए के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये इस पर आप क्लिक कर सकते हैं कि मैं मेरा आधार नंबर साझा नहीं कर सकता, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक करें, सिक्योरिटी पिन डाल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें आप, तो आपका आधार की जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट में आपने एग्जाम सेंटर के लिए अप्लाई करना है। तो एग्जाम सेंटर के लिए पिछली बार क्या होता था कि 4 एग्जाम सेंटर लिए जाते थे एक स्टेट से, अब की बार इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। वो चेंज ये हुआ है कि 2 आपको एग्जाम शहर हैं, राज्य हैं, एग्जाम के जो सिटी हैं, सॉरी स्टेट हैं, वो सेलेक्ट करने हैं और उनके एग्जाम सिटी यहां पर सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम देना है, मीडियम हिंदी इंग्लिश गुजराती जो भी है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मीडियम है 13 लैंग्वेज में ये इंग्लिश पेपर है, ये जो आपका 12th का स्टेट बोर्ड है, आपने 12th पास किया उसके अकॉर्डिंग भी है, आपका स्टेट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग भी है। जैसे मैं गुजरात स्टेट फिल कर रहा हूं, तो यहाँ हिंदी इंग्लिश गुजराती और उर्दू लैंग्वेज आएगी, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो जो भी आपका एग्जाम के अंदर पेपर मीडियम है क्वेश्चन पेपर का, वो यहाँ सेलेक्ट कर दें। इसके बाद में एग्जाम जो स्टेट है वो सेलेक्ट करें और उसका एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। जैसे मैं गुजरात सेलेक्ट कर दिया, मैंने उसका एग्जाम सिटी आनंद सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में दूसरा मैंने गुजरात के बाद में एमपी कर दिया और उसका एग्जाम सिटी यहाँ सेलेक्ट कर दिया। तो 2 एग्जाम के लिए आपको स्टेट चूज करने और उसी में एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करने हैं। एग्जाम सिटी कौन कौन से हैं आप इसमें फॉर्म से पहले जो व्यू एग्जाम सिटी था उसमें भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर गार्जियन का, आपका जो फादर है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो इसमें जो भी है एग्रीकल्चर है, मेडिकल से है, जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर दें और उसकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर दें, जैसे कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मेडिकल से है, डॉक्टरेट है, जो भी है। ऐसे ही आपने मदर का फिल करना है और ऐसे ही आपने जो मदर का है योग्यता, जैसे कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ फिल करने हैं। इससे भी इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद में यहाँ सिक्योरिटी पिन यहाँ डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपका एग्जाम सेंटर अप्लाई हो चुका है। यहां पर मैंने इस प्रकार से किया है, पहला स्टेट में पहला एग्जाम सेंटर, दूसरा महाराष्ट्र अकोला किया है। अब आपको यहां पर डालनी है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो 10th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है आपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। जैसे ही आप इसमें पास स्टेटस पर क्लिक करेंगे, ओनली पास्ट लिखा हुआ आएगा, यहां पर पास्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में कौन सी ईयर में आपने 10th पास की है वो ईयर सेलेक्ट कर देना है और इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम है वो 10th आ जाएगा। यहां पर स्कूल का स्थान, कौन सी जगह स्कूल था आपका, इसके बाद में स्कूल का प्रकार, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, कौन सा था, वो यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में आपका एग्जाम का जो सेंटर था 10th आपने कहां से पास की है, उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसका बोर्ड सेलेक्ट करना है 10th का। मैं सोचता हूं नॉर्मली जो 10th पास बच्चा है वो फिल कर लेगा ये सारी चीजें। अब जो एग्जाम का जो रिजल्ट मोड है, सीजीपीए है या परसेंटेज है, वो यहां पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपका सीजीपीए था तो सीजीपीए, सीबीएसई बोर्ड था तो सीजीपीए सेलेक्ट करें, परसेंटेज था तो परसेंटेज सेलेक्ट करें। इसके बाद में अगर आप सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ डिटेल देनी है आपको, कितनी सीजीपीए थी, परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, तो
तो आपकी मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, रिजल्ट, ये परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाती है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 10th के रोल नंबर फिल करने हैं, स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, और स्कूल का पिन कोड जो पोस्टल कोड होता है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। ऐसे ही 11th की डिटेल्स फिल करनी है। अब ज्यादातर स्टूडेंट को 11th में डाउट होता है, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट के पास 11th का रिजल्ट नहीं है। जैसे कि कोरोना में जिन बच्चों ने पास किया था उनके पास उनका रिजल्ट नहीं है। तो यहां पर एक देखो, पास स्टेटस में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे पास्ट लिखा आएगा, और इससे नीचे नॉट एप्लीकेबल लिखा आएगा। तो अगर आपके पास 11th की कोई डिटेल नहीं है, या फिर आपको 11th का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है, तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल आप सेलेक्ट कर दें, तो कोई से कॉलम में भी कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। बाकी अगर आप पास्ट फिल करेंगे, आपके पास डिटेल है, तो वही जैसे 10th के हमने डिटेल फिल की थी, उसी प्रकार से डिटेल फिल करनी है, रोल नंबर फिल करना है, स्कूल का पिन कोड नंबर फिल करना है। तो इस प्रकार से आप 11th की डिटेल फिल कर दें। अब 12th की डिटेल में सेम वही प्रोसीजर है, जैसे आपने 10th की थी वैसे ही 12th की करनी है। जैसे यहाँ पास स्टेटस में करेंगे तो आपको यहाँ दो तरह का स्टेटस मिलेगा, एक मिलेगा पास्ट और एक मिलेगा अपेयरिंग। जो इस साल 12th की एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, उनको अपेयरिंग करनी है, यानी कि उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, एग्जाम लगी नहीं है, तो अपेयरिंग डालना है। और जिन्होंने पास कर रखा है, जैसे 2022 में 21 में पास कर रखा है, तो उनको पास्ट करना है, और फिर बाकी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि पासिंग ईयर देना है आपने, इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम देनी है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम में यहाँ कोड मिलेंगे आपको, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7 तक कोड हैं, क्वालिफाइंग कोड हैं 7। इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सा कोड फिल करना है। तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट है उनको एक नंबर कोड फिल करना है, और जो पास्ट स्टूडेंट है 12th के उनको दो नंबर कोड फिल करना है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे यहाँ दो नंबर कोड अगर आप पास कर लिए, आपने 12th पास कर लिया, दो नंबर फिल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अभी स्कूल का स्थान लिखना है आपने, कॉलेज का यहाँ कौन सी प्राइवेट थी या फिर गवर्नमेंट थी स्कूल, उसका देना है, और इसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, और फिर रिजल्ट मोड जैसे सीजीपीए था या परसेंटेज था वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में रोल नंबर और स्कूल का नाम लिखना है। अगर यहाँ पर आप परसेंटेज सेलेक्ट करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, ऑप्टेन मार्क्स देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऐसे ही सीजीपीए में टोटल सीजीपीए कितने थे, ऑप्टेन सीजीपीए कितने थे, और टोटल सीजीपीए अपने आप इसमें आ जाएंगे। स्कूल का पिन कोड आपने लिखना है, सिक्योरिटी पिन लिखना है, और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहां पर आपको 12th की डिटेल के साथ साथ अगर आप इसमें पास्ट करते हैं तो यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के ऑप्टेन मार्क्स और जो टोटल मार्क्स हैं वो देने हैं, तो वो फिल करके आप सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहां पर मैंने दे रखा है, ये पूरी डिटेल दे रखी है, इंग्लिश में ऑप्टेन मार्क्स 76 थे, 100 का पेपर था, केमिस्ट्री में इतनी थे, तो इस प्रकार से बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में 60 मार्क्स थे, 100 का पेपर था, तो इस प्रकार से हम देखे सेव एंड सबमिट पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है एडिशनल डिटेल का। एडिशनल डिटेल में हमें, अगर आप जुड़वा भाई हैं तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो कर दें यहाँ पर। इसके बाद में जो नीट यूजी के लिए आपने देना है, पहले अगर अपेयर कर रखी है आपने तो यस करना है। यस करने के बाद आपसे पूरी डिटेल मांगी जाएगी कि कितने अटेम्प्ट हुए थे आपके, कौन से ईयर में किया था, तो वो दे दें। अगर नो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं देना है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, स्टेट लिखना है और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। सिक्योरिटी पिन लिखने के बाद यहाँ सेव एंड सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपकी एडिशनल डिटेल वो पूरी फिल हो जाएगी। ये मैंने दे रखा है, जैसे कि मैंने पिछली बार दिया था नीट का एग्जाम, एक अटेम्प्ट दिया था, अगर आपका दो अटेम्प्ट दिए हैं तो दो हो जाएंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप इसमें फिल कर दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है,
इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल की कभी कभी इसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर दूसरे मोबाइल नंबर दें, ये मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अलग से दें, उस पर ओटीपी आएगा और उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आगे आप सबमिट करें। जैसे ही सबमिट करेंगे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल की जो स्टेप है वो फिल हो जाएगी, यानी कि आपका जो मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी देने के बाद में आप सबमिट करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड की स्टेप आ जाती है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये आपने ध्यान से देखना है। अब देखो आपके पास में दो प्रकार की फोटो यहाँ अपलोड करने हैं, एक तो पासपोर्ट साइज की फोटो है यहाँ पर, इस बार एक ही फोटो लिया है इन्होंने, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ ली है, तो इसमें 80% आपका फेस विदाउट मास्क के होना चाहिए। एक ही फोटो आपको अपलोड करनी है, यानी कि जो पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे वो पासपोर्ट साइज का 10 से 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, उसपे आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और किस तारीख को फोटो ली है वो होना चाहिए। तो आप इसमें मिस्टेक ना करें, आपके पास फोटो नहीं है तो आप फोटो बनवा लें। दूसरा, इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां आपका कंप्यूटर या मोबाइल की लोकेशन में जहां फोटो रखा है वो फोटो आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे इसमें। अब आपने बाएं और दाएं हाथ की अंगुली और अंगूठे का निशान अपलोड करना है, यानी कि एक व्हाइट पेज ले लें, दो व्हाइट पेज ले लें आप, एक पर राइट हैंड के पूरे हाथ यानी कि अंगूठे और अंगुली और दूसरे पर राइट के, तो ये इनको स्कैन करके फिर आप उसकी एक इमेज बना करके 10 से 200 के बीच में आप इसको अपलोड कर दें, सिग्नेचर करें रनिंग हैंड में 4 से 30 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में। हाँ, पोस्ट कार्ड साइज का फोटो दे रखा है यहाँ, पोस्ट कार्ड साइज का फोटो 10 से 200 के बीच में करना है, और ये पासपोर्ट साइज का फोटो है वो छोटा फोटो है और पोस्ट कार्ड साइज का फोटो है वो बड़ा फोटो है। तो यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज का फोटो भी आपको अपलोड करना है, बड़ा फोटो पोस्ट कार्ड के साइज का 4x6। अब जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो कैंडिडेट जनरल से नहीं है, जनरल से है उनको तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत होती नहीं है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी से नहीं है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से पीडब्ल्यूडी से है, तो उनको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको जो डेट दे रखी है उस डेट के मुताबिक आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो ये रिक्वायर्ड है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी का फाइनल फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है ये, तो अगर आपके पास में 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये अंडरटेकिंग दिया गया है, ये डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको आप प्रिंट करके यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगा करके, एप्लीकेशन नंबर फिल करके, मोबाइल नंबर फिल करके, नेम कैंडिडेट एड्रेस वगैरह डेट यहाँ साइन करके इसको अपलोड कर सकते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि ये सर्टिफिकेट में 31 मार्च 2023 तक का होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम में प्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन आपको 31 मार्च 2023 तक ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है ओबीसी का, इस डेट तक ही ये मान्य है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट मान्य होगा, उसके बाद कभी भी हो सकता है, तो अगर आपके पास इसके बाद का सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दें, अदरवाइज ये डिक्लेरेशन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अपलोड कर दें यहाँ पर। इसके बाद में एससी एसटी का भी 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अगर किसी कैंडिडेट के पास है तो ठीक है, अदरवाइज ये अपलोड कर दें डिक्लेरेशन और समय से एडमिशन से पहले। ये तीनों यानी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अपना एडमिशन से पहले बनवा लें और ओबीसी कैंडिडेट 31 मार्च 2023 से पहले सर्टिफिकेट बनवा लें इसमें। तो ये था सर्टिफिकेट की बात, यानी कि जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट लगाना है वो हमने इस डेट का लगाना है।
कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 से लेके 300 केबी के बीच में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ये जो हमने ऊपर किए थे सारे के सारे जेपीजी फॉर्मेट में थे, लेकिन ये पीडीएफ में होने चाहिए। इसके बाद में एड्रेस के लिए मैंने आपको एड्रेस की टाइम में बताया था, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो दोनों के जो आईडी हैं आपके पास में उनको दोनों को मर्ज करके यहां पर अपलोड कर दें। अगर एक ही है, आपने सेम एज परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस लिखा है तो एक जैसे आपने जो आधार कार्ड दिया है एड्रेस के लिए, या फिर वोटर आईडी दिया है, या फिर 12th का जो वो सॉरी राशन कार्ड पासबुक दी है बैंक की, तो वो यहां पर आप अपलोड कर दें इसमें एड्रेस के लिए। मैं सोचता हूं आधार कार्ड सभी के पास होता है और वो आधार कार्ड आप एड्रेस के लिए यहां अपलोड कर दें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है वैसे। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो स्टेप है वो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस कंडीशन में अपलोड करने के बाद ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इनकी डेट मैंने आपको बता दी है तीनों की। इसके बाद में अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये परफॉर्मा दे रखा है उसके मुताबिक आप ये लगा सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप यहां पर कंप्लीट हो जाता है। रिव्यू करेंगे, यहां पर रिव्यू का मतलब एक बार आप यहां पर पूरी जो आपने अभी तक डिटेल भरी है एप्लीकेशन फॉर्म में उसको आप एक बार चेक कर लेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, इसके बाद में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने डिटेल फिल की है उसको एक बार रिव्यू कर ले, चेक कर ले, उसको पूरा का पूरा चेक कर लें। जो आपका अपलोड का पेज है वो भी आप एक बार चेक कर लें। इसके बाद में सब कुछ चेक करने के बाद में यहाँ चेकबॉक्स बने हुए हैं कि मैंने इन सब को चेक कर लिया, इन चेकबॉक्स पर आप टिक कर दें और टिक करने के बाद आई एग्री और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें। तो फाइनल सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ आ चुका है। अब पेमेंट करना है, हमने पेमेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग है तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट है वो आपको करना है यहाँ पर। तो जैसे ही आपने कैटेगरी फिल की थी आपका पेमेंट यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करने के बाद में आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें ईमेल आईडी वेरीफाई करना है तो ईमेल आईडी वेरीफाई पर क्लिक करके जो ओटीपी आएंगे वो ओटीपी यहां डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा यहां पर। अब जो आपने पेमेंट करना है यहां पर अगर एडिट करना है तो यहां एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर अभी एडिट कर ले, एक बार आप अगर पेमेंट कर देंगे तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, फिर आप करेक्शन में ही करेक्शन कर पाएंगे। जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तभी आप करेक्शन कर पाएंगे, तो जो भी आपको एडिट करना है एप्लीकेशन में वो अभी एडिट कर ले, अदरवाइज आप एडिट नहीं कर पाएंगे पेमेंट करने के बाद। तो मेरे को एडिट नहीं करना है, मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई हो गया है, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है, उसके बाद में क्लिक हेयर गो होम पर क्लिक करेंगे हम, यानी कि इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन मोड पर ही पेमेंट होगा, तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहां पर SBI या जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है वो फीस का हम पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और गो टू होम पर क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन पेज आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि जैसे ही हम पेमेंट कर देंगे तो कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आता है। तो जैसे ही हम दोबारा से लॉगिन करेंगे तो हमें कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन ही मिलेगा वहां पर। तो कंफर्मेशन पेज में भी एक बार आप थ्रोली चेक कर लें, अगर इसमें कोई गलती है तो करेक्शन के टाइम में आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपका अभी पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स वगैरह सारी आ चुकी है आपकी। तो अगर फिर भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो हम आपको बता देंगे, आप उस समय करेक्शन कर सकते हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के स्टडी करें,
हमारा यही ध्येय है कि आपका इस बार 23 में सिलेक्शन हो, अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे को हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स हम सारी चेक करते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी समय कम है, आप स्टडी पर ध्यान दें, अच्छी स्टडी करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। बेस्ट ऑफ लक।